सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आर्थिक आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने फिलहाल आर्थिक आरक्षण पर रोक नहीं लगाई है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि 10% आरक्षण की न्यायिक समीक्षा करेंगे। हरियाणा में मानेसर जमीन घोटाले को लेकर सीबीआई आज छापेमारी कर रही है। सीबीआई ने हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में रोहतक में उनके घर पर जांच पड़ताल की। दिल्ली और एनसीआर में 30 से भी ज्यादा जगहों पर सीबीआई की कार्रवाई चल रही है। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई, लेकिन हवा की क्वालिटी में काफी सुधार हुआ है। गुरुवार रात को राजधानी दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में बारिश हुई। पहाड़ी इलाकों में भी कई जगह ताजा बर्फबारी। मुंबई से सटे ठाणे में एक स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई। ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और बस एक दुकान में घुस गई। बस में बच्चे भी मौजूद थे, हालांकि कोई घायल नहीं हुआ।